हाय फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आयुर्वेदा ज्ञान पे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिली चिकन, जिसके लिए हमको चाहिए ये चिकन। चिकन हमने यहाँ पे 250 ग्राम लिया है, बोनलेस चिकन लिया है, ये देखिए। और इसको इस पीसेस में काटा है, देखिए। 250 ग्राम चिकन हमने लिया है यहाँ पे। और हमने यहाँ पे लिया है कैप्सिकम, इसको भी स्क्वायर पीसेस में काट लिया है इस तरह से। हमने यहाँ पे 2 बड़े कैप्सिकम काटा है। और ये हमको चाहिए ये लहसुन बारीक कटे हुए, हरी मिर्च बारीक कटे हुए, 4 बड़ी हरी मिर्च हमको लेना है। अदरक वो भी बारीक कटे हुए, ये प्याज को भी हमने स्क्वायर कट में काट लिया है इस तरह से, देखिए। और मसाला में हमको चाहिए, ये हमारा है चिकन मसाला पाउडर, हमने 3 चम्मच यहाँ पे लिया है। और ये कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 चम्मच हमने लिया है। ये हल्दी पाउडर 1 चम्मच हमने लिया है। ये नमक 2 चम्मच, धनिया पत्ता, लाल मिर्च पाउडर, ये आरारूट, ये हमने 1 कटोरी आरारूट लिया है। और ये 1 कटोरी दही। इसको फिर से हम बनाते हैं चिकन को पहले से। चलिए चिकन को भी मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें डालेंगे ये देखिए 1 चम्मच नमक, 1 चुटकी हल्दी, ये 1/2 चम्मच चिकन मसाला पाउडर, ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये 1 पिंच कश्मीरी मिर्च पाउडर, और ये डालेंगे ये थोड़ा सा अरारूट। ये हमको सब यूज नहीं करना है, आधा ही उसका यूज करना है। और इसके हम मिलाएंगे इसमें ये 1 कटोरी दही। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको ऐसे मिलाएंगे। अब इसको हम 10 मिनट तक मैरिनेट के लिए छोड़ देते हैं। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया। अब ये गैस में हमने पैन को बिठा लिया है, तेल भी डाल दिया है इसमें, रिफाइंड तेल का हमने यूज किया है। अब तेल को गर्म होने देते हैं। इसको हम अभी एक एक इस तरह से डिप करेंगे, और यहाँ पे फ्राई होने के लिए इसमें डालेंगे ऑयल में। अब इसको इस तरह से पलट देंगे। ये एक साइड से चिकन हो गया है, हम इसको अभी दूसरे साइड से पलट देंगे। ये चिकन देखिए अभी हमारा फ्राई हो गया है, दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गया है। इसको हम अभी प्लेट में निकाल लेंगे, एक एक करके इसको निकालेंगे। ये देखिए चिकन फ्राई हमारा हो गया है। और उसी पैन में हमने लिया है यहाँ पे 4 चम्मच तेल, वो तेल में हम डालेंगे अभी ये बारीक कटे हुए लहसुन, ये बारीक कटे हुए अदरक, फ्राई करेंगे। अब डालेंगे इसमें ये बारीक कटे हुए हरी मिर्च और ये प्याज,
जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा इसमें हम ये कैप्सिकम को डाल देंगे, इसको फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई होगा हम इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चिकन मसाला, ये 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये थोड़ा सा पानी, और इसको हल्का सा हिलाएंगे और 5 मिनट तक पकने देंगे। ये कैप्सिकम अभी फ्राई हो गया है, इसमें हम डालेंगे ये चिकन को, और इसको ऐसे मिलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटो सॉस, इसका हमने यहाँ पे 4 चम्मच यूज किया है टमाटो सॉस। और ये चिली सॉस, इसको मिला लेंगे। फ्राई कर लेंगे अच्छे से, जब तक ये मसाला पूरा अच्छे से चिकन के अंदर न जाए। अब ये चिकन चिली बिल्कुल रेडी है, चलिए इसको हम अभी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म चिकन चिली हमारा रेडी है, आप इसको घर पे बनाइए और फैमिली के साथ एंजॉय करिए। कैसा लगा मेरा रेसिपी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ आयुर्वेदा ज्ञान पे, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगी, टेक केयर, बाय बाय।